नमस्ते, मैं हूँ निर्मल दौलियाल। आज का विषय है योग भाग तीन। कर्म के बारे में कहा है, योग कर्म सुकौशलम। शरीर के कार्य कर्म कहलाते हैं, किंतु इनमें मन और बुद्धि गर्भ में रहते हैं। कर्म करने से पहले मन में इच्छा होनी चाहिए ताकि प्राणों को गति मिल सके और शरीर कर्म में जुट सके। इच्छा होने के लिए विषय का ज्ञान होना चाहिए, तब कर्म का उद्देश्य अथवा फल भी तय करना पड़ेगा। फल की इच्छा में व्यक्ति का कर्ता भाव रहता है, महत्वाकांक्षा रहती है तथा अपेक्षा भाव रहता है। समझने की बात यह है कि मैं चेतन हूँ और कर्म प्रकृति करती है जो कि जड़ है, तब कहाँ मैं कर्म का कर्ता और भोक्ता हुआ। मैं बाहर यदि निकल गया कर्म से, तब कहाँ ठहरेगी आसक्ति और मन की चंचलता। अर्थात कर्म को नियोजित करने के बजाय प्रकृति की धारा के जरिए किया जाए, जो जैसी परिस्थिति सामने आए उनके अनुरूप कर्म करना चाहिए। इसमें उसमें अपनी बुद्धि फंसाकर सही और गलत का निर्णय नहीं करना चाहिए। निर्णय करने का अर्थ है कर्ता भाव का जुड़ जाना। क्या आप निर्णय करके फलों को बदल सकते हैं? फल कभी भविष्य में जाकर मिलेगा? क्या उस पर आप नियंत्रण कर सकते हैं? कर्म तो सही तभी होगा जब उसे आप पूर्ण मन योग से करेंगे, यानी वर्तमान में रहकर करेंगे। यही ध्यान है, यही उपासना है, क्योंकि ईश्वर भी आपके कर्म के साथ साथ चलते हैं। वे यदि कर्ता बन गए तो आपका कर्म श्रेष्ठ भी होगा और शुद्ध भी। हालांकि फल तो उसका भी जड़ है। प्रकृति की यह जड़ता ही तमोगुण कहलाती है। जैन मत के अनुसार प्रत्येक कर्म में भाव क्रिया सदा वर्तमान रहती है। वर्तमान के कारण आत्मा को लिप्तता का अवसर नहीं मिलता। स्मृति या कल्पना में जाते ही लिप्तता हो जाएगी। कल्पना में जाते ही वर्तमान छूट जाएगा, कर्म अधूरा छूट जाएगा। वर्तमान ही यथार्थ है। कहते हैं, न कर्म लिप्तते नरे, चेतना कर्म को लिप्त नहीं होने देती। बंधन नहीं होते, ज्ञान से सारे बंधन मुक्त हो जाते हैं। अज्ञान का नाम ही तो बंधन है। रस्सी सांप दिखाई दे तब तक बंधन है, रस्सी नजर आते ही भय समाप्त। यही बंधन मुक्ति है, यही ज्ञान अज्ञान है। तू ब्रह्म है, तत्त्वमसि। ज्ञान के मुख्य मार्ग है श्रवण मनन निधि ध्यासन। उत्तम पुरुष के लिए श्रवण ही सही माध्यम है। मध्यम पुरुष को तर्क से समझना पड़ता है। तर्क आज के अति शिक्षित वर्ग की पहचान बन गया है। वहाँ उत्तम पुरुषों का अभाव होता जा रहा है। निधि ध्यासन या अभ्यास का मार्ग अधम पुरुष के लिए उचित है। यह प्रमुख मार्ग है, क्योंकि अविद्या को विद्या से ही समझा जा सकता है। समझ लेना बंधन मुक्ति है। कहाँ भी है, ज्ञानाग्नि में सारे पाप जल जाते हैं। ज्ञान ब्रह्मा का प्रिया है। अभ्यास और मनन के मार्ग से व्यक्ति उत्तम पुरुष बनता है। वहाँ श्रवण मार्ग से भक्ति में लीन हो जाता है, कर्म रह जाता है, कर्ता खो जाता है। गीता को ब्रह्म विद्या का योग शास्त्र कहते हैं। योग का अंतिम अध्याय पतंजलि के अनुसार तो समाधि है। कितने मार्गों से गुजरकर साधक समाधि तक पहुँचता है, उम्र का कितना बड़ा भाग उसमें व्यतीत हो जाता है। इसके विपरीत कृष्ण का योग युद्ध क्षेत्र में भी काम आने वाला है। कहाँ समाधि और कहाँ युद्ध क्षेत्र, इसको साधन निरपेक्ष योग कहा है। गीता के मूल में कर्म प्रकृति करती है, व्यक्ति नहीं करता। श्रद्धा से किया गया समर्पण श्रेष्ठ भक्ति मार्ग है, करता नहीं रहता। व्यक्ति को पतंजलि के योग में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ईश्वर प्रकाश अंधकार सतातत में भी है, सुख दुख में भी है। व्यक्ति हर परिस्थिति में आनंद में ही रहेगा। साधक को अखंड दृष्टि से ही देखना चाहिए। खंड दृष्टि से ईश्वर सुख में तो दिखाई देगा, किंतु दुख में दिखाई नहीं देगा, जबकि दोनों एक ही है। दोनों को ईश्वर का प्रसाद मान लेना संभव है। समभाव में भेद दृष्टि नहीं रहती। महर्षि अरविंद इसको समग्र योग कहते हैं। व्यक्ति की अखंड दृष्टि का खंड खंड हो जाना ही स्वयं से दूर हो जाना या तो टूट जाना है।
जैसे जल उद्गम से धारा के साथ दूर होता ही जाता है। दैत्य का प्रभाव इसका कारण है। योग मार्ग से स्वयं के अदैत्य को जानना, निधि ध्यासन का मार्ग पकड़ने रहना ही व्यक्ति को फिर से स्वयं से जोड़ देता है। आत्मा का आत्मा तक पहुंचना या आत्मा से आत्मा को देखना, ईश्वर अंश की अनुभूति हो जाना योग का लक्षण है। शरीर मन बुद्धि योग मार्ग के साधन है। बहिर्गामी संबंध जीवन है। जैसे मछली का जल से होता है अंतर्याम संबंध, आत्मा से होता है। जैसे हमारा गंगा स्नान करने जाना, इस संबंध में शरीर मन बुद्धि का उपयोग नहीं होता है। यही भक्ति मार्ग है। हमारे संबंध मानसिक होते हैं, भौतिक अथवा पदार्थों के स्थूल संबंध नहीं होते। अव्यय मन हमारी आत्मा है। अव्यय की पांच कलाएं आनंद, विज्ञान, मन, प्राण और वाक है। ये हमारे पंचकोश घटक है। मन यहाँ आनंद, विज्ञान और तथा प्राण वाक से आवृत होने से मूल मन का प्रतिबिंब नजर आता है। इसको ही हम अपना मूल मन मानकर जीते हैं। मन को इंद्र की संज्ञा दी गई है क्योंकि इंद्रियों का राजा है। ऋग्वेद कहता है इंद्रो माया भी पुरु रूप यते। इंद्र माया के द्वारा अनेक रूप धारण कर लेता है। मन की शक्ति अनंत है। इसका उपयोग कर लेना ही योग है। इसको प्राण वाक से हटाकर आनंद विज्ञान के साथ एकाकार कर देना योग है। योगी की परिभाषा में गीता कहती है देह नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति। जो देश नहीं करता और आकांक्षा भी नहीं रखता वह नित्य सन्यासी है। धन्यवाद।